आज हम इस चैप्टर में ऑसिलोस्कोप का जो प्रॉम्प्ट है उसको हम कैलिब्रेट करना सीखेंगे। और इसके अंदर है जो प्रोब आप देख रहे हो उसमें आपको कुछ बटन दिख रहा है, हियर इट इज, टेन एक्स और ये 1x। ये 10x और 1x क्या चीज़ है, अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। हमारे ऑसिलोस्कोप में ये जो वायर आपको दिख रहा है, इट इज़ ए ग्राउंड वायर। ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, आप डिसकनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो ये पिन दिख रही है, ये ठीक है हुक पिन है, यानी बड़े डिवाइस में आप डायरेक्ट कहीं पे भी इसको हुक कर देंगे तो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। मोबाइल फ़ोन्स में जनरली बहुत कम स्पेस होती है, वहाँ पे हुक लगाने की ज़रूरत मीन्स जगह ही नहीं होती है, तो आप इसको डी अटैच भी कर सकते हैं। तो आपको ये निडल स्वरूप में मिलता है, जैसे आपका मल्टीमीटर का प्रॉब होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं। अब 1x 10x क्या चीज़ है, हम जब कुछ भी मेज़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1x पे रखा हुआ है और इस प्रोब के ऊपर मैंने यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 10 वोट दिए हैं, तो ये प्रोब कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। ये जो 10 वोल्ट हैं डायरेक्ट इस वायर के थ्रू, ये जो पॉजिटिव पिन दिख रही है वो ऑसिलोस्कोप में यहाँ अटैच होती है और 10 वोल्ट आपके ऑसिलोस्कोप में इंसर्ट हो जाएंगे। कभी कभी हम बहुत बड़े ज़्यादा हैवी वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, कोई हैवी लाइन है और डायरेक्ट वो वोल्टेज हम अगर हमने ऑसिलोस्कोप को दे देंगे तो एक डिजिटल डिवाइस बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक सेटिंग है, दैट इज़ 10x। अभी 10x करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं वापस सेम 10 वोट ही डाल रहा हूँ, ऑसिलोस्कोप इंटरनल उसको कन्वर्ट करके इस टर्मिनल पे, यानी ऑसिलोस्कोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 वोट पहुँचेगा। फिर आपको जब 1 वोट दिख रहा है तो आपको खुद मल्टीप्लाई करना है कि एक था अब ये 10 वोट था और मुझे 1 दिख रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाय आपको 10 करना है अगर आपने प्रॉप की सेटिंग्स गलत रखी हुई है तो। वरना ऑसिलोस्कोप में आपने 10x पे रखा हुआ है या 1x पे रखा हुआ है, आप उसको अंदर से यहाँ से भी बता सकते हो। जैसे कि मैं चैनल 1 पे हूँ, मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ तो इसके सारे फंक्शंस मेरे पास आ गए। ये फंक्शन हम एक एक करके सीखेंगे, फिलहाल हम सीख रहे हैं प्रोब वाला फंक्शन। तो अब देख रहे हैं कि प्रोब 10x पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑसिलोस्कोप ने सेट किया हुआ है, यानी आपका ये प्रोब भी का जो सेटिंग है वो 10x पे ही होना चाहिए। अब ये दोनों सेटिंग मैच्ड हैं, यानी क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से 10 वोट डालोगे, वायर के थ्रू अंदर 1 वोट ही पहुँचेगा, ऑसिलोस्कोप ऑटोमेटिकली वापस इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देगा और आपको 10 वोट ही दिखेंगे। अगर मैं बहुत छोटे वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ, 1 वोट, 1.5 वोट, 2 वोट, 500 मिली वोट, उस टाइम पे हम प्रीफर करते हैं कि इसको 1x पे ही रखें और ऑसिलोस्कोप को भी बता दिया जाए कि भाई जो भी आएगा वो 1x है, तुझे कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जब यहाँ से 5 वोट डालेंगे इमिडिएटली ये समझ जाएगा 5 वोट हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन करेगा नहीं। तो ये हो गए प्रॉप के कुछ बेसिक सेटिंग। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि ऑसिलोस्कोप को सेल्फ कैलिब्रेट करना पड़ता है, वैसे भी ये प्रॉप भी कंपनी से सेल्फ कैलिब्रेट किए हुए आते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार उसका कैलिब्रेशन चेक कर लेना है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर देना है। 4 चैनल का ऑसिलोस्कोप होगा तो आपके पास 4 प्रोबाए होंगे, 2 चैनल का ऑसिलोस्कोप होगा तो आपके पास 2 प्रोबाए होंगे। आप एक साथ सबको कैलिब्रेट कर सकते हो, एक एक करके भी कैलिब्रेट कर सकते हो। माफ़ कीजिएगा, कोई बीच में आ गया था। तो अब हम प्रॉम को 10x पे रख देते हैं, चैनल को मैं रख देता हूँ भी अगेन सेम 10x, हियर इट इज़। यानी क्या होगा, यहाँ से जो वोल्टेज आए वो 10 गुना माइनस होके अंदर जो वोल्टेज आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके, ठीक है ना, ये इंक्रीज़ करेगा, ये इसको डिक्रीज़ करेगा। इन शॉर्ट आपने 10 वोल्ट डाले तो अंदर 10 ही दिखने वाले हैं। अब बात आती है प्रॉम को कैलिब्रेट करने की। प्रॉम कैलिब्रेट रूटीन लाइफ में रोज़ नहीं करना होता, एक ही बार जब ऑसिलोस्कोप ख़रीदा या जब आपको कभी डाउट लगे कि मेरे वेवशेप्स ठीक नहीं दिख रहे उसी टाइम उसको कैलिब्रेट करना है। रूटीन लाइफ में ये रोज़ रोज़ काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर जैसा दिख रहा है, ठीक है, माइनस में, इसको हम
इस टूल के थ्रू, पीवीसी स्क्रू ड्राइवर उन्होंने बना के दिया हुआ है, उसके थ्रू उसको कैलिब्रेट करेंगे। हम मेटल सेट कब क्यों नहीं कैलिब्रेट करते कि हमारी बॉडी भी के अंदर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, वो यहाँ पे टच ना हो जाएं और मेरा वेवफॉर्म बिगड़ ना जाए। तो अब इसको इस तरफ जो उसका सेल्फ कैलिब्रेशन का स्लॉट दिया हुआ है उसमें नीचे की तरफ ग्राउंड लगेगा, ऊपर की तरफ आपका लगेगा ये पॉजिटिव वाला प्रॉप। ठीक है, ये हुक के थ्रू मैंने इसको फंसा दिया है। अब आपको ऑसिलोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ ऑटो का बटन दबाना है। जैसे ही हमने ऑटो बटन दबाया तो ऑसिलोस्कोप ने 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी 3.42 वोल्टेज के थ्रू बाहर निकाल दी। यानी अभी फ़िलहाल इस टर्मिनल पे 1 किलोहर्ट्ज़ एंड 3.42 वोल्ट की स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी बाहर आ रही है। लेकिन आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो ठीक से नहीं बने हुए, यानी इसका प्रॉम जो है वो ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ है। यानी हम कुछ भी मेज़र करेंगे तो हम उसको ठीक से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो सेम अगेन इसी टूल से जो ये माइनस स्क्रू बना हुआ है इसको हम उतना घुमाएंगे ताकि आपको जो स्क्वायर है वो ठीक से जैसे स्क्वायर थे वैसे ही दिखने चाहिए। जनरली ये कैलिब्रेट किए हुए आते हैं, पर शायद किसी ने छेड़ दिया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो। अब देखिए धीरे 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 मैं इसको खोलते जा रहा हूँ तो अपने शेप में आने का ट्राई कर रहा है। डन, ये ऑलमोस्ट सेव इसकी ठीक हो गई है। अगर मैं इसको माइनस कर दूँगा तो देखो ये उल्टा घूमना शुरू हो गया, मैंने ज़्यादा खोल दिया। ना ऐसा होना चाहिए, ना जो पहले आपने देखा था ना ऐसा कुछ, राइट। तो हम धीरे धीरे इसको सेट कर रहे हैं हल्का हल्का घुमा के। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर स्क्वायर वेव आपको दिख रही है। आपके पास जितने भी प्रॉम्प हैं, 2 चैनल 4 चैनल, 4 प्रॉम्प्ट, 2 प्रॉम्प्ट, आपको एक एक करके सबको एक बार सिर्फ टेस्ट कर लेना है। हर रोज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार इसको आप कैलिब्रेट करके रख दीजिए, फिर ये जनरली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।